हेलो बच्चों, नेट खराब होने के कारण हम लाइव क्लास से जुड़े जरूर थे लेकिन वीडियो नहीं बन पाया जो है इसमें। तो प्रताप निषाद जुड़े हुए थे उससे, बाकी लोग जुड़ नहीं पाए, तो हम इसका वीडियो बना करके अपलोड कर देते हैं। आप लोग वहाँ से पढ़ लीजिए, दूसरे दिन फिर हम लोग प्रयास किया जाएगा जुड़ने का। तो आज हम लोग इंग्लिश रीडर क्लास एट्थ का पहला चैप्टर पढ़ेंगे जिसका नाम है एनादर चांस। इस चैप्टर का नाम है एनादर चांस। एनादर माने दूसरा, चांस माने अवसर, दूसरा अवसर। इस चैप्टर का नाम है दूसरा अवसर। अब इसको हम लोग जो है पढ़ते हैं। How often we wish for another chance? How often माने यहाँ पे है अक्सर या प्रायः। अक्सर we wish, हम लोग इच्छा करते हैं या उम्मीद करते हैं। we माने हम लोग, wish माने इच्छा करते हैं, उम्मीद करते हैं, हम लोग उम्मीद करते हैं for another chance, दूसरे अवसर की उम्मीद करते हैं। To make a फ्रेश बिगनिंग, एक नई, फ्रेश माने यहाँ पे नई से मतलब है, एक नई शुरुआत, बिगनिंग माने शुरुआत, एक नई शुरुआत करने के लिए अक्सर हम लोग दूसरे अवसर की इच्छा करते हैं। जैसे इसका मतलब ये है कि एक उदाहरण से आप समझिए, जैसे हम लोग साल भर पढ़ाई नहीं किए और एग्ज़ाम में बैठे हुए हैं और पेपर आया, आसान पेपर आया है लेकिन हमको आ नहीं रहा है, तो हमको लग रहा है कि अब हम फेल हो जाएंगे, तो हमारे अंदर से इच्छा हो रही है कि काश हमें दूसरा अवसर मिल जाता तो हम इसे जो है अच्छे से पढ़ लेते और हम पास हो जाते। तो वहाँ दूसरे अवसर की हमें इच्छा हो रही है, तो वही पोइट कह रहा है इसमें जो है कि हाउ ऑफन वी विश फॉर अनादर चांस, अक्सर हम लोगों को दूसरे अवसर की इच्छा होती है एक नई शुरुआत करने के लिए। अ चांस टू ब्लॉट आउट आवर मिस्टेक्स, और कह रहा है कि एक चांस हमारी गलतियों को ब्लॉट आउट मतलब मिटाने के लिए, हमने जो गलती की है उसको मिटाने के लिए एक अवसर की हमें ज़रूरत होती है। एंड चेंज फेल्यूर इंटू विनिंग, और जो है असफलता, फेल्यूर माने असफलता, विनिंग माने सफलता, जीत, हमें असफलताओं को सफलता में, चेंज माने बदलने, बदलने के लिए भी जो है हमको दूसरे अवसर की ज़रूरत होती है। कुल मिला जुला के कहने का मतलब ये है कि अक्सर हम लोगों को एक नई शुरुआत करने के लिए और अपनी गलतियों को मिटाने के लिए, निकाल देने के लिए अपने जीवन से, और असफलताओं को सफलता में बदलने के लिए दूसरे अवसर की इच्छा होती है, उम्मीद होती है। दूसरा हम लोग देखेंगे, इट डज नॉट टेक अ न्यू डे, कह रहा है कि इसके लिए एक नए दिन की आवश्यकता नहीं होती है। ऐसा नहीं है कि इसके लिए कोई नया दिन आएगा तब हम अपनी गलतियों को सुधारेंगे, ऐसा नहीं है। टू मेक ए ब्रांड न्यू स्टार्ट, कुछ नया जो है, नया स्टार्ट, एकदम नया स्टार्ट करने के लिए, ब्रांड माने एकदम, न्यू माने नया, स्टार्ट माने शुरू करने के लिए, एकदम नया शुरू करने के लिए नए दिन की आवश्यकता नहीं होती है, नए दिन की आवश्यकता नहीं होती है। इट ओनली टेक्स अ डीप डिज़ायर, ओनली माने केवल,
डीप माने गहरे, डिजायर माने इच्छा। इसके लिए केवल गहरी इच्छा की जरूरत होती है, इसके लिए केवल एक गहरी इच्छा की जरूरत होती है। टू ट्राई विद ऑल आवर हार्ट, और पूरे ऑल आवर आवर हार्ट मतलब होता है पूरे दिल से, पूरे दिल के साथ कोशिश करनी चाहिए, यानी पूरे दिल के साथ कोशिश करें। और एक डीप, एक गहरी जो है इच्छा, डिजायर हो, बस डिजायर की ज़रूरत होती है, न कि जो है एक नए दिन की, कोई एकदम नया काम, नया स्टार्ट करने के लिए नए दिन की ज़रूरत नहीं होती है, बल्कि जो है क्या होता है कि उस काम को करने के लिए पूरे दिल से कोशिश करिए, और एक जो है आपके अंदर गहरी इच्छा होनी चाहिए उसको करने की। नेक्स्ट, टू लिव अ लिटिल बेटर, थोड़ा बेहतर जीवन जीने के लिए, टू लिव माने, लिव माने जीने के लिए, थोड़ा बेहतर जीने के लिए। एंड और टू ऑलवेज बी फॉरगिविंग, और हमेशा जो है क्षमा कर देना चाहिए, हमेशा क्षमा करने की आदत होनी चाहिए। एंड टू ऐड ए लिटिल सनशाइन, और अपने जीवन में थोड़ा जो है उजाला ऐड करने की ज़रूरत है। टू द वर्ल्ड इन विच वी वर लिविंग, उस संसार में जिसमें, इन विच माने जिसमें, वी वर लिविंग हम लोग रहते हैं, उस संसार में जिसमें हम लोग रहते हैं उसमें जो है थोड़ा बेहतर जीवन जीने के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए, हमें जो है क्षमा कर देना चाहिए, क्षमा करने की आदत होनी चाहिए। छोटी छोटी जैसे गलतियां कोई करता है तो उसको क्षमा कर देना चाहिए, इससे अपने दिल से बोझ निकल जाता है, कोई दिल में क्रोध, ईर्ष्या, द्वेष, ये सब भावनाएं नहीं रह जाती, इसलिए क्षमा करने की, हमेशा क्षमा कर देना चाहिए हम लोगों को। और दूसरी चीज़ क्या करनी चाहिए, उजाला, अपने थोड़ा उजाला अपने जीवन में ऐड कर लेना चाहिए। उजाला से मतलब है हमारी जो संगत हो, अच्छी संगत होनी चाहिए, हमारे कार्य अच्छे होने चाहिए, ये सब सारी चीज़ें ऐड हो जाए जीवन में तो हम बेहतर जीवन जी सकते हैं। सो नेवर गिव अप इन डिस्पेयर, सो माने इसलिए, नेवर माने कभी नहीं, गिव अप माने छोड़ना, कभी नहीं छोड़ना चाहिए। इन माने में, डिस्पेयर माने निराशा, यानी इसलिए निराशा में कोशिश, नेवर माने कभी नहीं छोड़नी चाहिए, इसलिए निराशा में कोशिश कभी नहीं छोड़नी चाहिए। एंड थिंक, और सोचो, यू आर थ्रो, तुम सक्षम हो, और क्या सोचना चाहिए, और सोचना चाहिए कि हम जो है सक्षम हैं, यानी यू आर थ्रू, तो तुम सक्षम हो उस काम को करने के लिए, इसलिए कोशिश नहीं छोड़नी चाहिए निराशा में। फार देयर इज ऑलवेज अ टुमारो, यहाँ फार मतलब के लिए नहीं है, यहाँ सेंटेंस के पहले लगा है, इसलिए क्योंकि होगा यहाँ, इसका मतलब क्योंकि हमेशा एक कल आता है, हमेशा एक कल आता है। एंड द होप ऑफ स्टार्टिंग अ न्यू, एक नया, नई शुरुआत करने की आशा, आशा लिए हुए एक एक नया कल आता है, इसलिए जो है कभी भी कोशिश नहीं छोड़नी चाहिए निराशा में, और सोचना चाहिए कि हम सक्षम हैं। तो बच्चों, आपका ये चैप्टर पूरा हो गया, अब नेक्स्ट इसके आगे के एक्सरसाइज वगैरह दूसरे वीडियो में करेंगे। तो वीडियो समाप्त कर